हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज हम करेंगे 15 अगस्त फोटो एडिटिंग कुछ इस प्रकार के, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आपको भी सीख रहा है तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। वीडियो बहुत मेहनत से बनाया गया, इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को हर रोज इसी तरह का फोटो एडिटिंग का वीडियो देख सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है। सिंपली आपको ये वाला बैकग्राउंड मिल जाएगा, इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको टूल्स पे क्लिक कर देना है। टिंट शिफ्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करके इस लाइन को कुछ इस प्रकार आपको नीचे की तरफ कर देना है। करने के बाद सिंपली इसके अमाउंट को आपको 20% रख देना है और सिंपली आपको राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे चले जाना है। मैंने अपने फोटो का कटआउट निकाल रखा, आपको लेना नहीं आता तो आप फोटो रूम एप्लीकेशन से कटआउट निकाल सकते हो। और आपको मॉडल की पीएनजी भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप मॉडल की पीएनजी को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार आपको यहाँ लगा लेना है और सिंपली इसके बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है। सिंपली इसके बाद आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है। आपको ये वाली पीएनजी मिल जाएगी, इस वाली पीएनजी को आपको ऐड कर लेना है। ब्लेंड ऑप्शन सिंपली इसका मल्टीप्लाई में कर लेना है। साइज को आपको कुछ इस प्रकार बड़ा कर लेना है और इरेज वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इसके बाद सिंपली आपको इन्वर्ट पे क्लिक कर देना है और अपनी टी शर्ट पर आपको ब्रश को चला देना है। तो आप देख सकते हो कलर हो रहा है, तो इसको मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो सिंपली गाइज हो गया, राइट पे क्लिक कर दूंगा। अगेन ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, आपको ये वाली पीएनजी मिल जाएगी। सिंपली इस पीएनजी को आपको ऐड कर लेना है और अपनी फोटो को आपको सिंपली जूम कर लेना है और इसके अमाउंट को आपको पहले कम कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार अपने चश्मे के ऊपर आपको लगा देना है। लगाने के बाद सिंपली इसके अमाउंट को फुल कर लेना है। इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इन्वर्ट पे क्लिक कर देना है और सिंपली अपने चश्मे के अंदर आपको फिल कर देना है ब्रश को। कुछ इस प्रकार आपको कर लेना है। राइट पे क्लिक कर देना है। टू कॉपी आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक कर देना है और सिंपली आपको दूसरे वाले चश्मे पे कुछ इस प्रकार आपको यहाँ लगा देना है। लगाने के बाद आपको सिंपली इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और सिंपली आपको हार्डनेस को कुछ इस प्रकार रख लेना है और इसको इरेज कर लेना है पहले। उसके बाद आपको अगेन इसको फिल कर देना है कुछ इस प्रकार। तो सिंपली गाइज आप देख सकते हो मैंने इसको फिल कर लिया। इसके बाद आपको सिंपली राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगेन आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है। आपको ये वाली पीएनजी मिल जाएगी, इसको ऐड कर लेना, फुल साइज कर लेना, कुछ इस प्रकार ऊपर की तरफ लगा देना है। लगाने के बाद सिंपली आपको राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगेन आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है। आपको ये वाली पीएनजी मिल जाएगी, इसको ऐड कर लेना है। कुछ आपको क्रॉप वाले ऑप्शन पर जाके इसको क्रॉप कर लेना है कुछ इस प्रकार और राइट पे क्लिक कर देना है। इसको यहाँ पर आपको लगा देना है। इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है सिंपली और सिंपली कुछ इस प्रकार इसको इरेज कर लेना है और सिंपली आपको राइट पे क्लिक कर देना है। इसका ब्लेंड ऑप्शन सिंपली आपको मल्टीप्लाई में रख देना है और डन कर देना है सिंपली। इसके बाद अगेन आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे चले जाना है। आपको ये वाली पिजन की पीएनजी मिल जाएगी, इसको ले लेना है। क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाना, क्रॉप कर लेना है और कुछ इस प्रकार बड़ा साइज कर लेना है और यहाँ पर आपको लगा देना है। इसके बाद अगेन आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन में जाना है। आपको पिजन की पीएनजी को लेना है, क्रॉप वाले ऑप्शन पर जाना है, सिंपली क्रॉप कर लेना है और कुछ इस प्रकार इसको भी यहाँ पर आपको लगा देना है। सिंपली इसको आपको राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगेन आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है। आपको ये वाली पीएनजी मिल जाएगी, सिंपली इसको ऐड कर लेना है। ब्लेंड ऑप्शन सिंपली इसका आपको मल्टीप्लाई में कर लेना है और कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पर इसको लगा देना है। टू कॉपी आइकन पे क्लिक कर देना है, डुप्लीकेट लेयर लेनी है और कुछ इस प्रकार अपने मॉडल वाली पीएनजी पे भी आपको यहाँ लगा देना है। एक और डुप्लीकेट लेयर लेनी है और कुछ इस प्रकार इस तरफ भी आपको लगा देना है। उसके बाद सिंपली आपको राइट पे क्लिक कर देना है। अगेन आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे चले जाना है। आपको ये वाली पीएनजी मिल जाएगी, सिंपली इसको ऐड कर लेना है। साइज को कुछ इस प्रकार थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, नीचे की तरफ लगा देना है। टू कॉपी आइकन पे क्लिक कर देना है और डुप्लीकेट लेयर लेनी है कुछ इस प्रकार और फिलअप कर लेना है थर्ड वाले ऑप्शन से और कुछ इस प्रकार लगा लेना है और सिंपली आपको राइट पे क्लिक कर देना है।
इसके बाद अगेन आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है, आपको ये स्मोक की पीएनजी मिल जाएगी, सिंपली इसको ऐड कर लेना है और कुछ इस प्रकार इसको यहाँ पर आपको यहाँ लगा देना है। इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, इन्वर्ट कर देना है, हार्डनेस को जीरो कर देना है और कुछ इस प्रकार थोड़ा हल्का आपको ब्रश को चला देना है नीचे की तरफ। सिंपली इतना होने के बाद राइट पे क्लिक कर देना, आपको ये वाली पीएनजी मिलेगी, इसको कुछ इस प्रकार आपको यहाँ लगा देना है। टू कॉपी आइकॉन पे क्लिक कर देना है, इसकी डुप्लीकेट लेयर लेनी है और कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पे भी इसको लगा देना है। इतना होने के बाद सिंपली आपको राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगेन आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है, आपको ये टेक्स्ट की पीएनजी मिल जाएगी, सिंपली इसको ऐड कर लेना है, ऊपर की तरफ आपको लगा देना है। इतना होने के बाद सिंपली आपको शैडो वाले ऑप्शन पे जाना है, शैडो को 100 कर देना, पोजीशन को भी 100 और कलर को आपको वाइट कर देना है और सिंपली इसके बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है। सिंपली आपको चले जाना है ड्रॉ वाले ऑप्शन में, 3 डॉट पे क्लिक करके अपनी फोटो को आपको सिंपली सेव कर लेना है, मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी फोटो को भेज देना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। सिंपली इसके बाद आपको लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, आपको ये वाला प्रीसेट मिल जाएगा, सिंपली इस प्रीसेट को आपको ले लेना है और 3 डॉट पे क्लिक करना है, कॉपी सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है और राइट पे क्लिक कर देना है, अपनी फोटो वाले ऑप्शन पे चले जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है और पेस्ट सेटिंग कर देना है। बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ।